हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़वानी जिले के स्कूल बोर्डिंग में छात्र की बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पैरामाउंट स्कूल बोर्डिंग में कक्षा 10वीं के 14 वर्षीय छात्र के साथ 12वीं कक्षा के छात्रों ने मारपीट की है। 17 मार्च को ही छात्र से पिटाई बड़वानी की निजी स्कूल में 10वीं के छात्र कृष्णा ने आज शरीर पर चोट दिखाते हुए 12वीं के दो अन्य छात्रों पर हॉस्टल में मारपीट का आरोप लगाया गया। पीड़ित के अनुसार 12वीं के दो छात्रों ने उस पर वीडियो गेम चोरी का आरोप लगाते हुए 17 मार्च को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ पाइप और बेल्ट से बेरहमी से मारपीट की, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद डरे सहमे पीड़ित ने परिजनों को आज घटना बताई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों के साथ थाना बड़वानी पहुंचा, जहां पीड़ित की शिकायत पर बड़वानी पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विवेचना जारी है। जांच अधिकारी के अनुसार मारपीट करने वाले दोनों छात्र नाबालिग है। इसको देखते हुए जो भी उचित कार्यवाही होगी की जाएगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पैरामाउंट एकेडमी बड़वानी। कौन सी क्लास में? 10th। ये बच्चों ने क्या तुम्हारे साथ क्या घटना हुई स्कूल में? मैंने मतलब चोरी का इंजाम डाल के मारपीट चालू कर दी। किसने मारा? दो बच्चे थे, राहुल खरते और आयुष भिंडे। कौन सी क्लास के हैं ये? ये 12th कॉमर्स। 12th है। क्या चीज चोरी करने का आरोप लगाया? वीडियो गेम। तो कहाँ मिला फिर उनको कि नहीं मिला? नहीं, वो तो राशि का था, मतलब वार्डन सर की लड़की का था। अच्छा, उसको ढूंढ रहे थे वो? नहीं, वो उसके हाथ में ही था, उसके ही पास था, पर मैंने उससे लिया था। हाँ, देखने तो, के लिए। हाँ, तो चोरी ले जाके मारा आपको? बाथरूम में। और कितने दो लोगों ने मारा? कितने लोगों ने मारा? दो लोगों ने। ये किस चीज़ से मारपीट करी? बेल्ट और ये अपना क्या बोल पाइप और उससे क्या मुँह पे लेके आए कहाँ और पत्रे से ये मारा, मतलब कहाँ चोट आई बेटा? मुँह पे, पीछे पीठ पे है, या अंग गुप्ता अंग पे है, मतलब चिमटा लगा दिया वहाँ पे और मारा, लात मारी, हाथ बांध के मारा, कपड़े टी शर्ट उतार दी। अभी क्या शिकायत करना है? यस। कहाँ पे? यहाँ थाने में। क्या नाम है सर आपका? विजय रावत, उपनिरीक्षक विजय रावत। सर ये क्या शिकायत आई और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? एक लड़के की शिकायत दी थी कृष्णा पिता कालू जी की, कि हॉस्टल में उसके हाथ में कुछ लड़कों ने मारपीट करी है। तो हमारे द्वारा मतलब थाने पे रिपोर्ट मारपीट की कायम कर उसको जांच में लिया गया है अभी। और इसमें कौन कौन है आरोपी? आरोपी देखो अभी लड़के हैं, साथ नाबालिग मेरे ख्याल से, तो जो भी हो आगे कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रहेगी। कहाँ मारपीट की है, कहाँ चोट के निशान दिखे आपको? पीठ पर और चेहरे पर उसको चोट के निशान है, और कहीं टांगों पर भी निशान है। इस मामले में वार्डन को क्या कहना है सर? वार्डन का अभी तक उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी, उनसे पूछताछ की तो बच्चे द्वारा बताने पर ही जानकारी उनको पता है। बहन होना से उनके भी कालू सोलंकी। कालू जी किसे लेकर के और क्या शिकायत है? क्या कि स्कूल से हम जो बच्चे को मैंने घर ले गए, जिसको धमकी थी दे ली थी, ये बता नहीं पाया घर। क्या धमकी दी थी? कि मार देंगे घर को, जान से मार। हाँ, इसलिए ये नहीं बता पाया। ये कल बताया ना जिसको जीजा को। किस दिन मारपीट हुई थी? ये 17 तारीख को। 17 को हुई थी। हाँ। ये कहाँ हॉस्टल में कहाँ रखते हो? हॉस्टल में पैरामाउंट। आपने शिकायत की है मैनेजमेंट से? और करीब हो गया, हमको ये बताया नहीं, ये किसको बता ही नहीं पाया था। तो इतनी बड़ी घटना हुई तो वहाँ और दूसरे बच्चों को मालूम नहीं थी कि? नहीं तो बच्चों को मालूम, उनको तो होते ही थे ना क्लास में ना। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बेटा? 10वीं। और वो जो मारपीट करने वाले हैं? 12वीं का। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो उसको सजा। क्या शिकायत करना है थाने? हाँ। FIR कराएं? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।